भी मौजूद था, वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार जमकर निशाना साधा। जिंदा हम मिजाज रखिए तरातन तरातन तरातन, नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट, गरीब दीदी के खाता में 1,00,000 जाए खटाखट खटाखट खटाखट, अब भाजपा के हो जाए सपाचट सपाचट सपाचट, और लालटेन पर वोट गिरी ठकाठक ठकाठक ठकाठक। देखिए मीशा दीदी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, आप सब लोगों से अपील है कि लालटेन पर बटन दबा करके इनको भारी बहुमत से जिताएं और लालू जी राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, हम तो आपके बीच आते रहते हैं, अपनी मंडल विरोधी आरक्षण विरोधी यात्रा में अपने गुरु अडवाणी जी के सारथी बने होते, आरक्षण का विरोध कर रहे थे, और यहाँ बिहार आकर के बोलते हैं कि लालटेन वाला पिछड़ों का गरीबों का दलितों का आरक्षण छीन लेगा अति पिछड़ों का। अरे लालू जी ने तो गरीबों को आवाज दिया, मंडल कमीशन लागू कराया, किया कि नहीं किया? सबसे पहले हमारे कर्पूरी जी ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया था, सबको आरक्षण दिया, पिछड़ेपन को देखते हुए जो मंडल कमीशन की सिफारिशें थी उनको हम लोगों ने दिया। लेकिन मोदी जी आप बिहार आकर के केवल झूठ बोलते केवल झूठ बोलते, लेकिन इस बार बिहार की जनता झूठ का बदला लेगी। आप एक ने पूछा थोड़ा मुश्किल, मोदी जी के लिए थोड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया, वो जैसे पेपर लीक होता है ना यहाँ पे, वैसे ही उनका इंटरव्यू है, पेपर लीक वाला इंटरव्यू होता है उनका, सारे सवाल पहले उनसे पूछे जाते हैं। तो एक ने पूछा मोदी जी लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? तो पहले 30 सेकंड नरेंद्र मोदी जी सोचे ऐसे। उसके बाद कहते हैं क्या चाहते हो कि मैं सबको गरीब बना दूं? अब इनकी सोच देखिए, अमीरों के लिए एक सोच, जो भी वो चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी करने के लिए तैयार हैं, और गरीबों के लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल में कुछ नहीं किया। एनो चुनाव संविधान का चुनाव है, ये जो किताब है जो भी आपको मिला है ये किताब ने आपको दिया है। आरक्षण हो, सफेद क्रांति हो, हरी क्रांति हो, जमीन का अधिकार हो, भोजन का अधिकार हो, मनरेगा हो, जो भी आपको मिला है इस संविधान ने आपको दिया है। और आज बीजेपी के लोग आरएसएस के लोग खुलकर कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी हम इस संविधान को अंबेडकर जी के संविधान को रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे, फेंक देंगे। मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं ऐसे सपने मत देखो, ऐसे सपने मत देखो, इस संविधान को कोई भी शक्ति रद्द नहीं कर सकती है। इंडिया गठबंधन इस संविधान के पीछे खड़ा है, हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के पिछड़े लोग।